दुनियाओं की समानता को दर्शाता है। एक सादे पत्थर से बना बाबा बैद्यनाथ का पूर्वा विमुख मंदिर 72 फीट ऊंचा है। इस अनूठे तीर्थ में लक्ष्मी नारायण मंदिर, माँ पार्वती मंदिर, माँ संध्या मंदिर और माँ काली का मंदिर भी विद्यमान है। इस पवित्र भूमि में शिवलिंग की स्थापना श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु द्वारा होली के शुभ दिन पर की गई थी। उस शुभ अवसर को आज भी हरिहर मिलन के रूप में मनाया जाता है। शहर में शोभा यात्रा का आयोजन होता है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में लाया जाता है। यह भारत का एकमात्र तीर्थ है जहाँ शिव जी को गुलाल भी अर्पण होता है। भारत के प्राचीन और अत्यधिक लोकप्रिय तीर्थों में से एक इस अद्वितीय तीर्थ में हर साल श्रावणी मेला लगता है। महीने भर चलने वाला श्रावणी मेला भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले उत्सवों में से एक है। इस मेले में भारत भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। कांवरिया कहे जाने वाले यह तीर्थ यात्री सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर गोल बम का जाप करते हुए 108 किलोमीटर की पद यात्रा करके बैद्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं। देवों के देव महादेव को गंगा जल का अभिषेक करते हैं और 3 वर्ण वाले बेल पत्थर चढ़ाते हैं। इस पवित्र यात्रा को पूर्ण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। झारखंड के देवघर के भाग्य में ऐसे बेजोड़ तीर्थ का निमित्त बना था लंका नरेश रावण। एक पराक्रमी शासक और विद्वान रावण महादेव का अनन्य भक्त था। आध्यात्मिकता और शास्त्रों का ज्ञाता था लेकिन अहंकारी और जिद्दी था। इसी अहंकार के कारण उसने भगवान शिव को कैलाश पर्वत से लंका ले जाने का मन बनाया। इसके लिए वह कठोर से कठोर तपस्या करने के लिए भी तैयार था। उसने अपना सिर शिव जी को अर्पण कर दिया। शिव जी ने उसे नया सिर दे दिया। उसने जब 10वीं बार अपने सिर का बलिदान दिया तब भगवान शिव उसकी तपस्या देखकर प्रसन्न हुए, उसकी इच्छा का स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। शिव जी की प्रसन्नता से स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद मांगी। शिव जी की शर्त यह थी कि अगर शिवलिंग को रास्ते में कहीं जमीन पर रखा गया तो फिर वो वहां से शिवलिंग को नहीं ले जा सकता। शिव जी के वरदान से प्रसन्न रावण लंका की तरफ चलने लगा। देवगण व्याकुल था। रावण के अधिक शक्तिशाली हो जाने के डर से चिंतित था। तभी भगवान विष्णु ने देवी गंगा का आह्वान किया और रावण के शरीर में प्रवेश करने को कहा, जिससे रावण को लघु शंका के लिए रुकना पड़े। कुछ समय पश्चात ही देवों की युक्ति सफल होती दिखाई दी, लेकिन रावण शिव जी का अनन्य भक्त था। वह जानता था कि लघु शंका के पश्चात बिना हाथ धोए शिवलिंग को छू नहीं सकता। उसने मदद के लिए आसपास देखा तो उसे एक चरवाहा दिखाई दिया, जो चरवाहे के भेष में भगवान विष्णु थे। चरवाहा शिवलिंग को उठाए रखने के लिए सहमत हुआ। रावण शीघ्र ही लौट आने की बात करके निकल पड़ा। गंगा जी ने रावण के शरीर से बाहर निकलने में बहुत समय लिया। शिवलिंग को अधिक देर तक उठाए रखने में असमर्थ चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण ने लघु शंका के पश्चात हस्त प्रक्षालन के लिए पानी ढूंढा, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं था। उसने धरती से पानी निकालने के लिए जमीन पर प्रहार किया। जल जल स्रोत आज भी मौजूद है। हस्त प्रक्षालन के पश्चात लौटने पर रावण ने शिवलिंग को जमीन पर देखा तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने शिवलिंग को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर शिवलिंग को उठा ना सका। गुस्से में आग बबूला रावण ने शिवलिंग को जमीन में दबा दिया। रावण को कहां पता था कि वह जिस भूमि पर खड़ा है वह एक शक्ति पीठ है और ऐसे रावण एक अद्वितीय पीठ का निमित्त बना। ऐसे बेजोड़ तीर्थ के प्रति अपूर्ण श्रद्धा रखने वाले हर साल यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के हम आभारी हैं। बाबा बैद्यनाथ की कृपा सब पे बनी रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ हम अंतःकरण से कहते हैं कि इस पावन भूमि पर आपका सदैव स्वागत है। जय बाबा बैद्यनाथ।